नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपके बीच बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए, एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए। तमाम छोटी बड़ी खबरें भीम आर्मी चीफ ASP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किए गए एक बड़े कारनामे से जुड़ी हुई, उनके द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले से जुड़ी हुई हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी ने कहाँ से बड़ी सफलता हासिल की है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर मिशन 2022 की तैयारी किस तरीके से कर रही है समाजवादी पार्टी, और उसकी प्लानिंग क्या है और किसको ठेस पहुंचाई, किसको नुकसान पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी। आज के इस वीडियो हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर भी बातचीत करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आइए हम आपको सभी खबरें विस्तार पूर्वक समझाते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निकल कर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा अच्छा फैसला ले लिया है, जिससे कि बहुजन समाज के व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ये बड़ी खबर अलीगढ़ मंडल से निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने एक बहुजन समाज के काफ़ी ज़्यादा बड़े नेता माने जाने वाले रणवीर सिंह कश्यप जी को पार्टी में दोबारा से घर वापसी उनकी करा ली है, और लगातार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रणवीर सिंह कश्यप का स्वागत बहुजन समाज के व्यक्ति कर रहे हैं। उनका स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ बोल रहे हैं प्रमोद कुमार जो कि हाथरस से हैं, वो जो रणवीर सिंह की जब वापसी होती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ मंडल के बहुत ही लोकप्रिय कद्दावर नेता, युवाओं की दिलों की धड़कन, युवाओं को आगे बढ़ाने वाले मिशनरी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बहुत ही विश्वासपात्र माननीय रणवीर सिंह कश्यप जी को पुनः पार्टी में वापस कर अलीगढ़ मंडल का मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई। यानी कि जब इनको पार्टी में वापस ले लिया जाता है तो समाज के व्यक्ति, समाज के युवा काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और रणवीर सिंह कश्यप जी को बधाई देते हैं और बहन कुमारी मायावती जी का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो साथियों, रणवीर सिंह कश्यप जी इस समय अलीगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं। तो साथियों, बहन जी ने जो फैसला लिया था इनको वापस लेकर, वो सही या गलत आप अपनी कमेंट में राय दे देना, इससे समाज के व्यक्ति तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, अब आप अपनी राय रख देना। तो साथ ही एक और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो चंद्रशेखर आज़ाद व भीम आर्मी व ASP की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से निकल कर आ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन समाज पार्टी को जो छोड़ चुके थे काफ़ी ज़्यादा बड़े नेता माने जाने वाले बसपा के जॉन कोऑर्डिनेटर इलाहाबाद मिर्जापुर मंडल डॉक्टर अजमल खान, डॉक्टर नीलम खान ने पार्टी छोड़ी, यानी कि उन्होंने पार्टी छोड़ी, और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करवाया। उनको बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता को चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी ज्वाइन करा लिया। लगातार आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे। इस दौरान ASPA के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ भी मौजूद रहे और चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद उनको पार्टी में सदस्यता दी है, उनको ज्वाइन कराया है। साथियों, अब बात कर लेते हैं एक और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निकल कर आ रही काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर के बारे में। साथियों, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हम आपको बताने की कोशिश करें, आगरा के जिला अध्यक्ष जो विमल वर्मा हैं, विमल वर्मा आगरा के जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी से, उन्होंने जानकारी देते हुए ये बात बोली है कि बहुजन समाज पार्टी में भीम आर्मी काफ़ी ज़्यादा बड़े कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में भीम आर्मी को छोड़कर शामिल हुए हैं। लगातार आप उनकी फेसबुक पोस्ट भी देख पा रहे होंगे, और आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए किस तरीके से जो युवा शामिल होने के बाद किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले आप 30 सेकंड की ये वीडियो देखिए। साथियों, आपने ये वीडियो देखी, आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ ही सकते हो वो बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद कितने ज़्यादा खुश हैं। और उन्होंने बोला है, विमल वर्मा जी ने जानकारी देते हुए बोला है, दिनांक 20/6/2021 को उनके निवास पर आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने जितेंद्र कर्दम, पूर्व जिला संरक्षक भीम आर्मी, आकाश निगम पूर्व महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीम आर्मी, अरुण डबला विधानसभा अध्यक्ष छावनी भीम आर्मी, गौरव जाटव पूर्व विधानसभा महासचिव भीम आर्मी, रंजीत जाटव वार्ड अध्यक्ष के नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती की रीति और नीति से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी में
आस्था जताते हुए सदस्यता ग्रहण की। जो कुछ भी हमने नाम पढ़कर सुनाई, ये सभी लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए आगरा में, और इसकी जानकारी आगरा के जिलाध्यक्ष जो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं विमल वर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट से दिए। उनका कहना है कि बहन जी की जो कार्यशैली है उससे खुश होकर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता व आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता बसपा में शामिल हुए हैं। साथ में आगरा मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी रमेश करदम जल ये सभी मौजूद रहे। और साथियों अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण विषय पर जो हम बात कर रहे थे। अब साथियों कोई किधर भी शामिल हो जाए, जैसे कि भीम आर्मी वाला अगर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाता है तो है तो बहुजन समाज का ही वोटर, वोट तो वही है, वो जाटव यानी जाटव आप कह सकते हो, जाटव समाज का वोट चाहे किधर भी ले लो वो है ही एक समाज का वोट। भीम आर्मी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी जाटव समाज के हैं। जो बीएसपी वो ठोक के जो वोट करते हैं, जिनका वोट कभी नहीं कट सकता, वो जाटव समाज है, यानी कि जाटव समाज के व्यक्ति बीएसपी के अलावा किसी को वोट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए 10% चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ वो वोट चला जाएगा तो जाटव समाज का ही रहा है, समाज में तो कोई भला नहीं हो रहा, समाज को तो नुकसान हो रहा है। अगर दो भागों में चलेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और सरकार नहीं बन पाएगी। तो साथियों इस बारे में आप अपनी कमेंट में राय दें। समाज के व्यक्ति तो लगातार यही मांग कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती एक हो जाएं, पर साथियों ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी अपनी अपनी सोच है, इसमें हम भी नहीं कुछ भी कह सकते, ना ही आप कह सकते हो। तो साथियों ये बड़ी खबर है हमारी समझ से, तो ये जो कुछ हो रहा है, भीम आर्मी वाले इधर चले गए, बीएसपी वाले इधर आए गए, कभी बीएसपी वाले भीम आर्मी में चले गए, ये क्या ये समाज के व्यक्ति इधर उधर भटकते रह रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी खबरें सुनकर दुख होता है, पर साथियों आपके बीच भी रखना जरूरी है, आप भी जागरूक होते रहिए, हम आपको जागरूक करते रहते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं मिशन 2022 के लिए समाजवादी पार्टी की प्लानिंग क्या है। समाजवादी पार्टी की प्लानिंग है छोटे दलों को एक साथ लाकर चुनाव में मैदान में उतरना, यानी वो मैदान में छोटे दलों को लाएगी। छोटे बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी के नाराज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराना, जो छोटे बीजेपी के नेता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कराना, ये समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की प्लानिंग है। मुस्लिम यादव और दलितों के वोट बैंक को मजबूत करना, बीजेपी और कांग्रेस से नाराज चल रहे ब्राह्मण वोटर्स को सपा के साथ जोड़ना, ये सब समाजवादी पार्टी की प्लानिंग है, ये हमने आपको बताई। और साथ ही हम आपको बता दें ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्लानिंग रच रखी है समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने, और लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्लानिंग कर रही है यूपी चुनाव 2022 को लेकर, काफ़ी ज़्यादा सक्रियता से कर रही है। बीएसपी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी स्तर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी नई नवेली पार्टी है उनका वजूद भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट अपनी राय दें, आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और किसकी सरकार बन सकती है, आप इन सभी सवालों का जवाब कमेंट में दें। और बहुजन समाज की प्रमुखता से खबर दिखाने वाले बी मिशन टीवी बहुजन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मजबूत बनाएं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मजबूत बनाओगे तो आपका ही मीडिया मजबूत होगा, आपकी ही आवाज़ बुलंद होगी। इसीलिए हम आपसे लगातार निवेदन करते रहते हैं। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम जय भारत, धन्यवाद।